कान्हा की नगरी मथुरा को तीनों लोकों से न्यारी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि आखिर कान्हा की नगरी मथुरा क्यों तीनों लोकों से न्यारी है, तो इसकी वजह है ब्रजमंडल के हृदय स्थल मथुरा में बसी चारों युगों की वो कहानियाँ जिनका जीवंत उदाहरण देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। वैसे तो जब मथुरा का नाम आता है तो लोगों के जहन में योगी राज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की छवि उभर आती है, लेकिन आज कान्हा की नगरी में भगवान श्री कृष्ण के समय से पहले की लीलाओं को जीवंत करती नजर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतयुग उस सत्य कथा की जिसमें भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। आज मथुरा नगरी के वासी फिर एक बार सतयुगी कथा की जीवंत लीला के साक्षी बने। आज मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर स्थित कुआं वाली गली में चतुर्वेदी समाज द्वारा विगत 500 वर्ष से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान नरसिंह लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। नरसिंह लीला मंचन से पूर्व तारका की झांकी का मंचन किया गया, जिसे देख श्रद्धालु वाह विभोर हो गए। तारका लीला की झांकी के पश्चात भगवान नरसिंह का वो दृश्य सामने आया जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान नरसिंह फिर एक बार अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खम को फाड़कर निकल नजर आए, तो वहीं भगवान नरसिंह के भक्त ये अद्भुत दृश्य देख हर्षित तो पुष्प वर्षा करने लगे। इसी बीच भगवान नरसिंह के भक्त जान मजीरों की धुन के बीच थिरकते नजर आए। भगवान नरसिंह की अद्भुत झांकियां कुआ गली से होते हुए नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां चतुर्वेदी समाज द्वारा भगवान नरसिंह की मंगल आरती की गई। वहीं सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि लीला सतयुग के समय की है, जिसे चतुर्वेदी समाज द्वारा प्रतिवर्ष नरसिंह की इस पावन लीला को विगत 500 वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं। नरसिंह लीला के दौरान चतुर्वेदी समाज के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं नरसिंह मंदिर पर महिला भक्तों ने बताया कि गुलाब चतुर्वेदी ने बताया कि हमारा साल भर का त्यौहार है जिसे हम पूर्वज भी मनाते हैं, आए तो वही चतुर्वेदी समाज के सभी बच्चे एकजुट हो दूर दराज जाकर बड़े ही उत्साह और लगन से भगवान नरसिंह को ये दिव्य आयोजन करते हैं। भगवान नरसिंह की भक्ति में भाव विभोर हो भक्तों ने भगवान नरसिंह की जय हो के जयकारे लगाए, जिसमें मथुरा नगरी का समूचा वातावरण नरसिंहमय हो गया। इसी दौरान विपिन स्वामी ने भगवान नरसिंह की पावन लीला पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य उत्सव प्रिय है, भगवान ने चारों युगों में जो लीलाएं की हैं उसी का प्रदर्शन करते हैं। इस नरसिंह लीला को देखने के लिए मथुरा के कोने कोने से श्रद्धालु तो आते ही हैं, बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु भक्त इस पावन लीला का अनुसरण करने के लिए कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचते हैं। विपिन स्वामी, मुझे बताया कि आज नरसिंह लीला का आयोजन किया गया, क्या कुछ मान्यता है इसके लिए? जी ऐसा है, ये उत्सव प्रिय मानवा, जैसा कि कालिदास लिख गए हैं, मनुष्य उत्सव प्रिय है। अब उत्सव में भी क्या होता है कि जैसे हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें जो लीलाएं भगवान ने की हैं उन्हीं लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और उसी से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब ये जो आज लीला, नरसिंह लीला देखी आपने, ये सतयुग से कनेक्टेड लीला है। इसी में आपने देखी ताड़का आई थी, अब ताड़का है वो त्रेता से कनेक्टेड लीला है, उसके भी राम लक्ष्मण आते थे वो उसको मार देते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर जी आते हैं, वो सब इसको हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए आते हैं। तो सारी लीलाएं वही प्रसंग हैं, वो प्रसंग घुमा घुमा के वही दिखाते हैं, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म की जड़ हमेशा हरी रहे। बाकी बात की जाए मथुरा के ये कुआ गली में आज आयोजन किया गया जी, तो कुआ गली से और इस लीला का क्या कुछ विशेष जी? ये ऐसा है सर कि यहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, प्राचीन लीला यहाँ द्वारकाधीश मंदिर से चली आ रही है, उससे ही प्राचीन लीला यहाँ कुआ वाली गली से है। मंदिर में जब से होने लगी तब से मंदिर में हम लोग स्वांग नचाने जाते हैं और बाकायदे वही जो आपको बताया था कि धर्म का प्रचार प्रसार है मंदिरों में से ही वही होता है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा यहाँ तो हमने पुस्तकें देखते चले आ रहे हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कब से चली आ रही है। जी जी, ये नरसिंह जी का चेहरा आप देखेंगे कम से कम एक मन से ऊपर है, और इसके लिए हर साल ये समझिए 100-150 ग्राम से वजन बढ़ता है, घटता नहीं है। हर साल इसका जो कलर होता है ये होता है तो वजन बढ़ता ही है, उसका घटता नहीं है। और इसके लिए पहले से तैयारियां होती हैं, इसके लिए थोड़ी कसरत वगैरह की जाती हैं, इसके लिए खुराक वगैरह भी ले जाती हैं,
और किसी मतलब जो कहते हैं डांस के उसके पैंतरे होते हैं उनकी तैयारी की जाती है, सब कुछ तैयार किया जाता है। ऐसा है कि ये सतयुग में श्री नरसिंह का अवतार हुआ है, तो श्री नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और लेने के बाद में प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तभी से सतयुग से ये लीला के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ भी कुआवारी गली में द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ये विगत 500 वर्षों से ज़्यादा से ये लीला इसी प्रकार से बनती चली जा रही है। हम लोग सब उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे रात को पहले कल दोपहर को बार नरसिंह चौदस के दिन श्री नरसिंह जी का जन्म का महोत्सव होता है, नरसिंह जी का और बाराह जी का। शाम को द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वहाँ नरसिंह जी नाचते हैं, हम लोग सब वहाँ नचाने जाते हैं। रात को यहाँ श्री बाराह जी नाचते हैं 12 बजे पे, और आज सुबह पहले ब्रह्मा जी, फिर श्री महादेव जी, और फिर तारकेश्वरी, और फिर उसके बाद में नरसिंह जी का मेला होता है। तो अभी आपके सामने जो मेला हुआ है ये श्री नरसिंह जी का मेला है, सालाबादी उत्सव है। बोलो श्री नरसिंह भगवान।